तुनिशा के निधन के बाद पूरी तरह से उनका परिवार टूट चुका है। उनकी माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही हैं क्योंकि उनके को स्टार उनके बॉयफ्रेंड शीसान ने जिस तरह से उनके साथ धोखा किया उनके साथ रिश्ते में रहने पर, आज ये माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही हैं। बता दें कि शीसान को अरेस्ट भी किया गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आखिर तुनिशा की मां का क्या कहना है, आइए आप सभी को वो जरूर सुनाते हैं। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीसान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया, और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शीसान को नहीं छोड़ना, मेरा बच्चा गया है बस। बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। तो सुनिए आपने एक माँ की आवाज़, अपनी बेटी के लिए मांग रही हैं जो सभी इंसाफ। बता दिए कि तुनिशा और उनके कोस्टार शीसान एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिस बीच किसी और पर शीसान का दिल आया और उन्होंने तुनिशा को धोखा दिया। र्यूमर्स ये ज़रूर कहते हैं कि तुनिशा प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी इस बात का कोई ठीक से खुलासा यानी कि पुष्टि नहीं हो पाई है। ये मामला अभी पुलिस अपनी ओर से संभाल रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, लेकिन पूरा मामला कुछ वक्त तक ही सामने आ पाएगा।